के 111 साल की उम्र होके भी बीड़ी पी रहे हैं। तो आप तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पे एक नया दिन और एक नई एनर्जी के साथ, पहाड़ों की वादियों के साथ। देखो आप दोस्तों देख रहे होंगे हम अभी कहाँ पे हैं, सिनेरियो देख रहे होंगे सारा। तो देखिए हम पूरे टेंट के अंदर हैं। अगर आपको बाहर का लुक बताएं तो बाहर का लुक भी बहुत शानदार है। रात को एक्चुअली ऐसा सीन हुआ था कि हम यहाँ पे लेट पहुँचे थे, तो रात को हमने पूरे टेंट्स लगाए, तो आपको वो चीज़ नहीं बता पाए। अब हम आपको खोल के ही बता सकते हैं, पर आपको बाहर का लुक बताते हैं। देखिए दोस्तों पूरी वादियों का नज़ारा। अब देखिए पूरे बर्फ पड़ चुकी है हर जगह पे, और सबको स्वाद आ चुका होगा ठंड का। और देखिए एक ये टेंट्स है, ये भी हर जगह टेंट्स ही टेंट्स हैं, और मुझे लगता है कि सबको ठंड का स्वाद आ चुका होगा। जहाँ तक जो मेरा सोचना है, अब ये डायरेक्टली कैमरा में आंचल मैम के पास ले जाना चाहूँगा। आपका क्या कहना है ठंड के बारे में? बहुत ही कम ठंड है, हमें कोई ठंड नहीं लग रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो पिंक टेंट में सोया होगा उसको तो आ गया होगा स्वाद ही। देखिए दोस्तों यहाँ पे शूज भी बर्फ से लथपथ हो चुके हैं। मैं किसी को उठा नहीं रहा हूँ ना मैं, ये देखो मैं आपको सिर्फ यहाँ की लुक बता रहा हूँ। देखो दोस्तों ये साइट का नाम बता दे सर, क्या साइट? साइट का नाम है ट्रैक चांचल पास टू सरुताल लैंड। इट्स अप्रॉक्सीमेट 8 kilometers एंड फॉर बिगनर्स इट्स अ वेरी गुड ट्रैक फॉर विंटर एज वेल एज समर, ऑल सीजनल। और आपको अगर आगे का लुक बताएं दोस्तों तो बहुत ही शानदार लुक है। अगर आपको दोस्तों यहाँ का नीचे का सिनेरियो बताएं तो पूरी रात को कोहरा पड़ चुका था यहाँ पे। एक ये पूरा बर्फ ही बर्फ हो चुका है एक तरह से। और अमन आप क्या कहना चाहेंगे? आप टेंट से बाहर निकले, क्यों निकले आप टेंट से बाहर? यहाँ पर बहुत ठंड है, यहाँ पर हमारा जीना तो चलो भगवान ने साथ दिया तो एक दिन कट गया, वरना एक दिन के ऊपर हम यहाँ नहीं काट सकते। हम ये कैमरा डायरेक्ट ले जाते हैं मैम की तरफ। मैम गुड मॉर्निंग, आपको आप बताना चाहेंगे ठंड से आपके क्या हाल रहे? अगले 5-6 साल में तुमने मेरे को बोला ना कि कहीं जाना है, मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा। नहीं हम तो फैम में भी जाएंगे, आपने प्रॉमिस किया है। मैं को पूरी दर्द नहीं आई है, मेरे पीछे बहुत दर्द है, अब मेरे को उठा के लेके जाना है कॉलेज। मुझे मेरी 1 हफ्ते की मेडिकल लीव हुई है। तो इनके लिए तो खुशियों का मौसम बन चुका है, इनकी तो क्लासेस नहीं लगेंगी। मैम इतना कष्ट में है कि मैम सीधा ही जहर मांग रहे हैं। और देखिए दोस्तों अगर यहाँ का भी लुक बताएं आपको, परली साइड ले जाते हैं, पहले इस टेंट का अंदर से लुक बताते हैं आपको पूरा। चलो मैम आप ही बताओ। ये वाला जो टेंट है ये बहुत बड़ा टेंट है, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। हम कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग सोए थे इसमें। तो आप हमें अंदर ले जाएं और अंदर से देखिए। बिल्कुल लग्जरी टेंट लग रहा है ये तुम लोगों को, इसमें बस अभी कुछ सामान सब है। ये वाटर बेड लगा हुआ है, पिलोज थे इसमें, कालीन बिछी हुई थी, चादर बिछी हुई थी। बट असली में अगर तुमने समर्स में आना है तो ये बहुत अच्छा है, अगर तुमने विंटर्स में आना है तो तुम ऐसे सोए हो जैसे बर्फ की एक चादर नहीं होती उसके ऊपर तुम्हें लिटा दिया गया हो, ऐसा फील होता है। विंटर्स में बिल्कुल भी इन बेड पे, वाटर बेड पे नहीं सोना है। We'll be right back.
यहाँ पे दोस्तों सारे ग्रुप फोटोज के लिए इकट्ठा हो चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी रात कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आपका तो सिंगल लेयर टेंट था, तो आप जाके पूछते हैं भैया जिस जहाँ पे हमने कैंपिंग की है भैया का लैंड था, तो भैया आप कुछ बोल। फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉरेस्ट लैंड है, पर ये भैया ने बनाई है यहाँ पे कैंपिंग साइट। हम पांच लोग हैं, सोसाइटी चला रही हुए थे हिमालयन स्पोर्ट्स सोसाइटी चांशल, जिसमें पांच मेंबर हैं। मैं चेयरमैन हूँ, ये वैसा वाइस चेयरमैन है अनूप मेदियान जी, और ये चेतन बिंटो सेक्रेटरी है, पृथ्वीराज आ रहा है भी, वो जनरल सेक्रेटरी है। अच्छा, तो फिर हमारे ऑडियंस को बता दो कि यहाँ का क्या क्या सिनेरियो रहता है। यहाँ पे क्या एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, आप ना स्टे के लिए आ सकते हो, आपने अंदर तो देखा है बैटिंग सिस्टम रखा हुआ है, मतलब कैसा फील हुआ आपको, खुद को कैसा फील हुआ है? अच्छा, वो मैंने देखा, बताया ऑडियंस को भी वीडियो में कैसा है अंदर। यहाँ पे बॉनफायर, देखो बॉनफायर भी है, लकड़ियाँ भी भैया खुद प्रोवाइड करते हैं। आपको इसलिए करनी पड़ी प्रोवाइड क्योंकि आप हमारे थ्रू नहीं आए थे ना, हमारे थ्रू आए तो शायद लकड़ियाँ मिल जाती। तो और चार्जेस बता दें भैया। चार्जेस 1500 रुपये पर पर्सन है, उसमें इंक्लूड ब्रेकफास्ट डिनर एंड बॉनफायर। वैसे कॉकटेल पार्टी भी देते हैं, बट उसमें कॉकटेल का सामान आपका रहता है, पार्टी हमारी तरफ से रहती है। क्यों कॉकटेल पार्टी रहती है? भैया को भी बाय करेंगे, भैया एक बार बाय कर दे कैमरा पे। और अगर आपको हम ये व्लॉग देखना हो तो आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये कल परसों तक पूरा व्लॉग आ जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, और देखिए पूरी बर्फीली पहाड़ी, ये आपको चांशल पीक दिख रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे सामान पूरा पैक हो रहा है नीचे की विलेज के लिए। अपनी लाइफ का स्ट्रगल बताना चाहता हूँ, सुबह से मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं, कल सुबह से अपलोड कर रहा हूँ, और आज की सुबह भी हो गई है, अभी तक भी 50% व्लॉग अपलोड हुआ है। ऐसी वादियों में आपको सिग्नल की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी, एयरटेल तो बिल्कुल ठप पड़ चुका है। अगर आप आना चाहें तो देखिए, ये है HSS चांशल कैंप, यहाँ पे ये नंबर्स है, अगर आप आना चाहें तो बढ़िया आ जाए, देखिए पूरा। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं यहाँ का गांव विजिट करने, तो मैम आपका क्या कहना है इस पे? क्या हमारे लोकल गाइड रहेंगे भैया, अपना अपना नाम बता दें। और आप भी बता दें भैया। तो आज भैया हमें पूरा गांव का टूर करवाएंगे। और देखिए दोस्तों, सफाई अभियान यहाँ पे लग चुका है, और अगर आगे जाके देखें, आगे जाके बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा गांव है, ऊपर से तो बहुत ही अच्छी लुक थी। और सारा ज़्यादा सा कूड़ा इकट्ठा करो और एक साथ में डालना। नहीं नहीं, साथ साथ में नहीं होगा। चलो चलो उठाओ कैप, NSS कैप। अगर गांव के अंदर ले जाएं आपको दोस्तों, तो बहुत ही शानदार व्यू है। भैया हाय कर दें एक बार कैमरा पे। ये देखिए, ये भैया आप बता दें ये क्या चीज है, ये क्या होता है? चुलाई, लोकल नहीं है सर, चुलाई। वो इसे होता क्या, होता है क्या है? ये अनाज है, इसका आटा बनता है। तो दोस्तों इसका तो पहले इसको यहाँ पे कुटाई सुखाते हैं, फिर कुटाई करते हैं इसकी, है ना, फिर इसका पीसते हैं आटे में, तो आटा बनेगा, फिर इसके आप चपातियाँ बनाते हो, मतलब हाँ। अच्छा, कोटे की रोटी, कुदे की रोटी। देखिए अगर किसी को पता हो कोई पहाड़ियाँ हो यहाँ पे, तो कमेंट करें दोस्तों, ये चुलाई काली काली रोटी बनती है इसकी, बहुत टेस्टी होती है खाने की, खाने के लिए इसको हम मक्खन के साथ खाते हैं, नमक डाल के, घी के साथ। तो मैम, मैम पूरे एक्सपीरियंस्ड है, लड्डू बनते हैं इसके, और लड्डू भी। और देखिए हम आगे मुर्गा बताएंगे आपको, मुर्गा है कि मुर्गी है ये। अब अगर आपको यहाँ का घर के वो भी बताएं, घर कैसे बने होते हैं, यहाँ पे पूरी लकड़ियों के घर होते हैं, और आपको और इससे भी पुराने घर बताएंगे आपको। यहाँ पे तो थोड़े नए घर बन चुके हैं, पर आपको इससे भी पुराने घर आज बताएंगे। तो भैया यहाँ पे बथेरे लोग आते होंगे, हर बार कचरा फैला के चले जाते होंगे, है ना, हर बार। और यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है इस चीज़ पे? प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा है, तो मतलब हमें NSS वॉलंटियर्स को आगे आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जल जल।
तो देखिए दोस्तों, और ये है अखरोट का पेड़ दोस्तों। अगर रास्ता बताएं दोस्तों गांव का, तो बहुत ही शानदार है। ये है प्रॉपर पुराना मकान यहाँ के, और बहुत ही शानदार पुराने लकड़ियों और मिट्टी का मकान है ये। आपको यहाँ पे यहाँ के अलावा कहीं और तो नहीं मिलेगा। और देखिए पुराने मकान को नया लुक दे दिया गया है, और बहुत ही। और ये देखिए ये पीक देख रहे होंगे आप, ये चंद्र नाहन है। आपको वहाँ पे भी कभी ले जाएंगे, आपको चांचल भी कभी ले जाएंगे। देखिए दोस्तों चंद्र नाहन की पीक देखिए। यहाँ का लोकल कल्चर है। तो थोड़ा हम फटाफट चलेंगे यहाँ से, फटाफट चलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से तो बहुत ही ज्यादा गंद फैलाया है लोगों ने। चलो दोस्तों चांचल की वादियाँ बताते हैं। देखिए दोस्तों ये है पुराने मकान और उनपे की गई कलाकारी, पर ये अभी उस हालत में नहीं है कि हम इसके अंदर जा सकें, तो इसको बाहर से बता रहे हैं दोस्तों आपको। और देखिए नीचे पूरी विलेज, बहुत ही शानदार बहुत ही प्यारी विलेज है। करेले, पहाड़ी करेले बोलते हैं इनको, पहाड़ी करेले। और देखिए दोस्तों बिल्कुल ही शानदार घर की लुक है। देखो अगर आपको दोस्तों बताएं तो खलियान, क्या कुठार, अनाज मतलब वो इसमें रखते हैं सर्दियों के लिए। और अगर दोस्तों ये है हमारे पहाड़ी करेले, पहाड़ी करेले बोलते हैं इनको, जो हम आपको ऊपर बता रहे थे जिसकी बेल लगी थी। और देखिए दोस्तों ये है पूरा आर्किटेक्चर, पूरा नमूना। देखिए पुराने टाइम में भी जब कोई औजार नहीं होते थे तो देखिए बिल्कुल परफेक्शन थी। और यहाँ पे हमारे दादी जी मिल चुके हैं, नमस्कार दादी जी आपको। और दोस्तों ये है यहाँ का बहुत प्राचीन, यहाँ पे परमानेंट पानी चला रहता है। फिर भैया ये पानी कहाँ पे जाता है? ये जो यहाँ से जाता है पानी, वेस्ट तो होता है ना, पर यहाँ से इनके लिए स्पेशली नालियाँ निकाली होती हैं, जो कि स्टेप फार्मिंग होती है ना, तो उस पर चावल की खेती के लिए। अरे ऊपर देखी थी मैंने, चावल की खेती हो रही थी। अरे सच में पूछना भैया से, मैंने ऊपर चावल की खेती देखी थी। यहाँ का पूरा आपको दोस्तों लुक बताएं, बिल्कुल ही कंजेस्टेड एरिया है, पर ये सफाई करने है। देखिए दोस्तों मंदिर भी है यहाँ पे, और ये है देखिए प्राचीन। यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकते हैं, कट्टे तक, कट्टे तक जा सकते हैं। तो देखिए प्राचीन मंदिर है, हमें यहाँ से जाना, यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है। भैया आप बता सकते हैं क्यों नहीं है? थोड़ा सिस्टम रखा है कुछ ना, मान्यता होती है, मान्यता कुछ मान्यता है, हम उसको रिवील नहीं करेंगे, वो यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे नहीं जा सकते, यहाँ से आगे जा सकते हैं। लुक बताएं दोस्तों आपको यहाँ की पूरी बाहर की, यार शानदार है और मजा आ गया। ओल्ड टाइम्स का है यहाँ पे, यहाँ पे ऊन मैट, यहाँ पे पूरा कपड़ा बनाया जाता है। ये है मशीन पुरानी,
ये हमारे साइड भी होती थी पहले, पर अब नहीं होता है। अब रेडीमेड के चक्कर में पुरानी चीजें हम लोकल भूल चुके हैं, हम सिर्फ रेडीमेड प्रेफर करते हैं क्या। और ये जो हमारे पास अम्मा है यहाँ पे, ये हम लगभग 100 साल से ऊपर हैं। कितने साल के हो गए होंगे भैया? 111 साल के हो चुके हैं। ये एक अजूबा ही है, और होप सो ये बढ़िया रहे हैं। और हमारी तो यही है, बीड़ी मांग रहे हैं। बीड़ी कौन मांग रहे हैं? अम्मा बीड़ी मांग रहे हैं कि 111 साल की उम्र होके भी बीड़ी पी रहे हैं। तो आप, मैं ये सोच सकता हूँ कि जो सोचते हैं कि बीड़ी पीने से कुछ होगा, तो देखिए हमारे पुराने टाइम में ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इतना काम करते थे कि उनको इन चीज़ों का फर्क ही नहीं पड़ता था। आज के टाइम पे ऐसे लेजी हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे कूड़ा इन्होंने कुछ उठाना नहीं है, बस बातें बनानी है। देखिए और ये ऐसे लेजी हो चुके हैं यहाँ के। और ये है पुराना मंदिर, तो दादी जी को बाय करेंगे। तो ये जो दोस्तों आपको ऊपर बता रहे थे हम कि वो प्लांट से वो बनते हैं, आटा बनता, ये है वो चौराई जो सूखने के लिए डाली है, प्रॉपर। फाइनली दोस्तों हमारे यहाँ पे सफाई अभियान यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे जाते हैं दोस्तों, आपको मंदिर बताते हैं, जिसको जो चीज़ मैंने आपको प्रॉमिस की थी वो आपको बताते हैं। तो पीछे दोस्तों इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप सब बोलते चलें अपने हाल। देखिए मैंने एक्सपीरियंस, नए एडवेंचर, नई वादियां, नए लोग, नई गलियां। तो यहाँ का सिनेरियो कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ पे छोटे छोटी जगह पे थोड़े थोड़े गांव होते हैं, छोटे छोटे पूरे पहाड़ों में बसे होते हैं छोटी छोटी जगह पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लगभग 50 से 60 गांव होंगे अगर आपको ऐसे बताएंगे हम। अभी हम सिर्फ एक गांव में विजिट किया है, और ये है मंदिर होगा शायद, मंदिर है ये। से हम वहीं पर आ चुके हैं, हमारे 111 साल के दादी जी। तो दादी जी को नमस्कार करेंगे, बाय करेंगे। दादी भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। चलो नमस्कार अंकल जी, आपसे मिलते हैं। इनका नीचे आपको फिर से सेटअप बता देते हैं कपड़े बनाने का। अब रेडीमेड थिंग्स की वजह से ये चीज़ें, ये चलन बंद हो चुका है। पर आपको देखिए, इनका कोई तरीका होता था बनाने का प्रॉपर, हमारे पुरानी टेक्निक्स थे जिससे हम कपड़े बनाते थे। पर आज के टाइम पे रेडीमेड की वजह से सारा चीज़ें बंद हो चुकी हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह चुकी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे ही हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, हमारे पास मशीन्स बढ़ रही हैं, ये सारा काम जो हम पूरा दो दो जो हमारे पूर्वज 1 से 2 दिन, लगभग 3 से 4 दिन, महीनों में एक एक मैट बनाते थे, अब वो लगभग 1 से 2 घंटे में बन जाती है। तो इनका चलन थोड़ा बंद हो गया। ये है हमारा पहाड़ी कल्चर, अब हम इसको ऊपर छोड़ेंगे, दादी जी की मदद करेंगे। और लगभग ये, मैं सच बता रहा हूँ, सिर बिछाइयो अपना, लगभग ये 50 से 60 किलो से ऊपर होगा ये। और दादी जी अकेले ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है इस उम्र में भी। सुरजीत तेरे सिर पे गिरेगा, कहाँ पे रखना है? वाह दादी जी, हो गया काम आपका? कोई बात नहीं दादी, देखो ऊपर एक दादी। जो मैंने उठाया था वो लगभग 50 से 60 किलो का था, इसको उठा के मेरी खुद की फट चुकी थी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस टाइम पे भी दादी जी, ये दादी इतनी हिम्मत रखते हैं कि 50 से 60 किलो एक बार में लाए। मिलते हैं एक नया दिन एक नई एनर्जी के साथ एक नए व्लॉग में। अगले व्लॉग में आपको एक मंदिर बताया जाएगा, ऐसा मंदिर जो कि कुछ ऐसी जगह पे बना है जहाँ पे आप भी खुद देख के हैरान रह जाएंगे। तो तब तक के लिए एक चीज़ याद रखना, दिस इज़ योर, आपका अपना, ऑलवेज बी योर, आपका अपना, आपसे है। तो जय हिंद, धन्यवाद।